आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे समझ लीजिए आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो और भी चीज़ें हैं जो मार्केट रिलेटेड है। तो समझ लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जैसे समझ लीजिए आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, या फिर समझ लीजिए आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, डिपॉजिटरी से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको जो म्यूचुअल फंड जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है उससे कोई इशू है, या फिर आपको समझ लीजिए रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट से इशू है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब चीज़ हो सकती है जो आप मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस केस में आप सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास कैसे अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरी कंप्लीट जानकारी दी है कि आप कहाँ कहाँ और किस किस केस में सेबी के पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। और देखिए, आपको अगर सेबी के पास अपनी शिकायत भेजनी है तो आप सबसे पहले scores.gov.in पे आइए। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी है। साथ साथ में आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर जैसे समझ लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप देखिए यहाँ पर टोल फ्री इन्वेस्टर हेल्पलाइन है इनका, सेबी का टोल फ्री नंबर है, आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप, या फिर आपको कोई डाउट है, तो आप इस इन्वेस्टर हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए और सेबी के जो वहाँ पर मतलब जो ये टोल फ्री लाइन को हैंडल कर रहे हैं बहुत हेल्पफुल नेचर के, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, कंप्लेंट भेजनी है या कुछ ऑनलाइन रजिस्टर करना है या उनको लेटर के थ्रू भेजना है, जो भी है, जो भी आपका मैटर है उससे रिलेटेड वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेबी में सबसे पहले आप scores.gov.in पे आइए और यहाँ पर अपना रजिस्टर हियर पे क्लिक करके अकाउंट बना लीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर रजिस्टर हियर पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या जानकारी डालनी है, और जो भी आप जानकारी डालेंगे वो सही तरीके से डालिए, एकदम एक्यूरेट डालिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपना नेम, ईमेल, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, पैन नंबर जरूर डालिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है पैन नंबर डालना। ये देखिए पैन नंबर पूछ रहा है, पैन नंबर डालिए। उसके बाद आधार नंबर डालिए, सही अच्छा रहेगा आपके लिए। CKYC ID, इसको जहाँ तक सेंट्रलाइज नो योर कस्टमर CKYC ID बोलते हैं, ये डालिए। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपका कोई बैंक अकाउंट है तो उसको यहाँ डालिए। बैंक नेम, IFSC कोड, ये सब डालिए। तो जो भी चीज़ इस फॉर्म में पूछी है उसको आप डालिए, और जिसमें से पैन नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये मैंडेटरी का ये एक स्टार आइकन आ रहा है इसमें, मतलब ये मैंडेटरी है। बाकी आधार नंबर, CKYC ID, अभी तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए, उसके बाद जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी, जो आपका यूज़र नेम रहेगा, और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है, लॉग इन करना है। तो देखिए, मैं साइन इन हो गया हूँ। अब देखिए, अगले पेज पे मैं अपने अकाउंट पे आ जाऊँगा जहाँ पर मैं कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है सबसे टॉप पे, तो इस पे आप क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए मैं कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ गया हूँ, और यहाँ पर जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी डालते हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ यहाँ पहले से भरा आ जाएगा। अभी ये वीडियो में मैं अपनी प्राइवेसी रीजंस के कारण ये हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो ये सब फील्ड्स हैं ये पहले से भरी हुई थी, मैंने हटा दिया हूँ फिलहाल अभी प्राइवेसी कारणों से। तो ये सब चीज़ पहले से भरी रहेंगी, जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने डेटा डाला था वो यहाँ पर फिर से आ जाएगा, और इनकेस नहीं आता है तो आप डाल लीजिए अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा लगता है कि आपको डालना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है आप सिलेक्ट कैटेगरी करना है आपको। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं और सबकी जानकारी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए, समझ लीजिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से प्रॉब्लम है, DP से प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें लोड हो जाएंगी।
तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात ये बोल रहा हैव यू लॉज्ड अ कंप्लेंट विद द कंसर्न इंटरमीडियरी लिस्टेड कंपनी फॉर रिड्रेसल ऑफ योर कंप्लेंट। तो इसका मतलब ये है कि आप सेबी को कंप्लेंट करने से पहले क्या आपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कंप्लेंट किया, आपने अपने डीपी को कंप्लेंट किया, या फिर आपने जिस कंपनी के खिलाफ आपको प्रॉब्लम है उसको पहले कांटेक्ट किया, या आप डायरेक्ट पहले ही सेबी के पास कूद जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जिससे पहले प्रॉब्लम है पहले उसको आप ईमेल कीजिए, या फिर रिटर्न में लेटर दीजिए, या फिर उसके ऑफिस में जाके बात कीजिए। डायरेक्ट सेबी को कंप्लेंट मत कीजिए, आप पहले उनको दीजिए, कंप्लेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि उनसे जो आपको रिजोल्यूशन मिला है या फिर जो रिस्पांस मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है या आपको सही नहीं लगा, तो फिर आप सेबी को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यस सेलेक्ट कीजिए कि मतलब आपने पहले उनको कॉन्टैक्ट किया था, मतलब मेरे अभी केस में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कॉन्टैक्ट किया था। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट विद द कंपनी। तो जो भी जिस भी तारीख को आपने सिलेक्ट किया मतलब कंप्लेंट दर्ज की थी, तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। और एड्रेस वेयर द कंप्लेंट वॉज सेंट, आपने जिस भी कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के एड्रेस पे अपनी शिकायत को भेजा था, उस एड्रेस को आपको इस डब्बे में टाइप करना है पूरी सही तरीके से। हाँ, तो फ्रेंड्स, एक बार जब आपने एड्रेस को टाइप कर लिया है, अब आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे मेरे केस में मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूँ, आपके केस में हो सकता है वो कोई कंपनी हो या फिर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो, जो भी है, तो आपको उसका नाम, ये जो कंप्लेंट अगेंस्ट के सामने जो फील्ड दी है, उसको यहाँ पर टाइप करना है। तो जो भी आपका मतलब जिसके भी खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर और भी चीज़ें पूछ रहा है कि अब आपको मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे समझ लीजिए, मैं यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग सिलेक्ट करता हूँ, तो अकाउंट ओपनिंग फ्रेंड्स जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये वेबसाइट पूछेगी कि मुझे अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। मतलब जैसे समझ लीजिए, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अकाउंट ओपनिंग सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कीजिए। जैसे समझ लीजिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने आपको मना कर दिया अकाउंट खोलने से, तो देखिए यहाँ पर मैं डिनायल इन ओपनिंग एन अकाउंट इसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये जो एक अगला बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपको 1000 कैरेक्टर के अंदर अंदर अपनी शिकायत को यहाँ पर टाइप करना है, ब्रीफ में टाइप करना है। पूरा अपन को उनका लेटर नहीं भेजना है, जितना हो सके कॉम्पैक्ट या ब्रीफ फॉर्मेट में आप अपनी शिकायत को 1000 कैरेक्टर में टाइप कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड, शिकायत से रिलेटेड आप कुछ फाइल अटैच करना चाहते हैं, तो ये जो चूज़ फाइल बटन है इसका यूज़ करके आप अपनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं अपनी कंप्लेंट के साथ। एक बार जब आपने अपनी कंप्लेंट यहाँ पर लिख ली है और फाइल को अटैच कर लिया है, ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, और ये जो आपका रिकॉर्ड है, बोलने का मतलब आपने जो टाइप किया है या फिर आपने जो फाइल अटैच की है, वो सेबी के सर्वर पे सेव हो जाएगी। अब उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ और जानकारी हो सकता है आपसे पूछे। जैसे अभी मैंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया हूँ, करना चाह रहा हूँ, तो मुझे अपना डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी, ये दोनों यहाँ पर टाइप करने पड़ेंगे अलग से। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आखिरी में ये कैप्चा कोड जो है, कैप्चा जैसे यहाँ पर 831 दिखा रहा है, आपके केस में हो सकता है कुछ अलग दिखाए, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दिखाए या फिर नंबर दिखाए, जो भी है वो आपको इस डब्बे में टाइप करना है। और उसके बाद सबमिट बटन पे फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे, और अगर आपके कंप्लेंट में कोई एरर नहीं रहेगा, मतलब आपने सब कुछ चीज़ें जो भी मतलब पूछी है वो डाल दिए, सब कुछ लिख दिया, अटैच वगैरह कर दिया, तो ये जो सर्वर है सेबी का, उसमें आपकी कंप्लेंट विथ अटैचमेंट सेव हो जाएगी, और आपको एक यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप कुछ दिन बाद उस यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज़ करके अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो कैसे होता है। देखिए, आप वापस अपने अकाउंट में आ जाइए, और यहाँ पर देखिए व्यू कंप्लेंट स्टेटस लिखा है, तो व्यू कंप्लेंट स्टेटस पे जाइए, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपसे पूछेगा,
और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा टाइप करना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो भी करंट स्टेटस है, मतलब सेबी क्या कर रहा है उस पर, जैसे हो सकता है उसने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कॉन्टैक्ट किया हो, या फिर फ्रेंड समझ लीजिए उसने म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को कॉन्टैक्ट किया हो, या फिर किसी लिस्टेड कंपनी को कॉन्टैक्ट किया हो, जो भी है, मतलब जो भी आपकी शिकायत थी उस बेस पे, तो उसका जो करंट प्रेजेंट स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड सेबी के पास रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर सेंड रिमाइंडर लिखा हुआ है, तो सेंड रिमाइंडर पे क्लिक कीजिए आप, और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो यहाँ पर जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है सेबी की तरफ से, जिसके लिए आपको रिमाइंडर भेजना है, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, रिमाइंडर डिटेल्स, आप क्या रिमाइंडर देना चाहते हैं सेबी को उसको यहाँ पर टाइप कीजिए, और अपलोड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपने रिमाइंडर के साथ अटैच करना है तो उसको आप यहाँ चूज फाइल करके अटैच कर सकते हैं, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका रिमाइंडर चले जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे सेबी के पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए कि उसमें मैंने और भी चीज़ें हैं जो डाल दिए, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, स्कोर्स का जो सिस्टम है वो काम करता है, और आप कैसे अपनी कंप्लेंट को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।